सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली'स वर्कशीट नंबर 37 एंड इट इज फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। इट हैज़ टेकन फ्रॉम द सब्जेक्ट इंग्लिश और यह जिस पर बेस है, जिस टॉपिक पर बेस है, बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार है। तो सबसे पहले जो आज 16 ईयर्स के हो रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 बड़ा हैप्पी बर्थडे। दिस ईयर मैनी ऑफ यू हैव टर्न 16। ओ वाओ, 16th बर्थडे बहुत ही बढ़िया होता है और पूरी लाइफ का एक बढ़िया जो स्टेज होती है वो 16 के बाद से शुरू हो जाती है। तो आप सभी को जो 16 के हो गए हैं या आज हो रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब आगे अपनी वर्कशीट को समझें। नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। अ स्टूडेंट शुड बी एबल टू चूज व्हाट ही वांट्स टू बी इन लाइफ बाय द एज ऑफ 16। एक स्टूडेंट को अब इतना हो जाना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहता है, अब वो ये कर सकने के लायक हो जाना चाहिए। कौन सी एज पर? 16 की एज पर। दिस इज टर्म्ड एज चूजिंग योर करियर, यानी ये जो बताता है कि अब हमें अपना करियर चूज करना है, कौन सा करियर चूज करना है, ये एज अब हमें ये बताती है। बिल्ड योर ओन ड्रीम्स और समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर्स। या तो आप अपने सपनों को सजाओगे, अपने सपनों को आगे बढ़ाओगे, या फिर कोई आपको हायर कर लेगा अपने सपनों को बनाने के लिए। तो ये चीज़ें सिर्फ अब आपके हाथ में हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रोफेशंस के लोग यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं इस पिक्चर में। ज़रा आप इसको ध्यान से देखिए। इफ़ यू वॉन्ट टू चूज योर करियर बाय चॉइस नॉट बाय चांस यू मस्ट स्टार्ट नाउ। और अगर आप अपना करियर अपनी चॉइस से करना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं अपनी चॉइस से, किसी बाय चांस नहीं या किसी परिस्थिति की वजह से नहीं आपको अपना करियर चुनना पड़े, तो इसके लिए आपको आज ही शुरुआत करनी पड़ेगी। हेयर आर सम करियर ऑप्शंस यू कैन स्टार्ट डिस्कवरिंग मोर अबाउट देम। यहाँ पर बहुत सारी कुछ करियर ऑप्शंस दी गई हैं, आप इसको अभी से ही ढूंढना स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में और जानना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे करियर हैं, जैसे टीचर, आपके टीचर हैं जैसे डाइटिशियन, ये करियर आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है, आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। टेक्नीशियन बहुत ही बढ़िया करियर है। इंडियन आर्मी सर्विसमैन, आप आर्मी में भी जा सकते हैं। कॉल सेंटर वर्कर, बहुत सारी कंपनीज़ के कॉल सेंटर्स होते हैं, आप वहाँ पर भी अपना उस प्रोफेशन को चूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर तो आजकल हर प्रोफेशन की ज़रूरत होती है, तो ये भी आप बन सकते हैं। लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ये तो बहुत ही अलग और यूनिक प्रोफेशन है, बहुत अच्छा करियर है। इसमें आप क्या करते हैं, अपने लैंग्वेज को ट्रांसलेट, यानी किसी भी लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट करते हैं, आप इंटरप्रेट करते हैं। इसमें आप फॉरेन से लोग आते हैं उनके गाइड भी बन सकते हैं और उनसे उनकी भाषा में बात करके उन्हें यहाँ की भाषा को बहुत आराम से समझा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया करियर है। इंजीनियर, क्लर्क, बैंकर, हॉस्पिटल स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डॉक्टर, देखिए कितने सारे प्रोफेशंस हैं। आपको अपनी चॉइस का कोई भी प्रोफेशन चूज करने का पूरा पूरा अधिकार है, क्योंकि अब आप 16 के हो गए हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि आप उसकी शुरुआत आज से ही करें।
यू हैव प्रैक्टिस मोडाल मस्ट इन द प्रीवियस वर्कशीट. आपने पिछली वर्कशीट में मोडाल जो था मस्ट उसको यूज करना सीखा था, उसकी प्रैक्टिस की थी. हेयर आर टू मोडाल्स कैन एंड शुड. तो आज हम टू और मोडाल्स को यूज करना सीखेंगे विच इज कैन एंड शुड. यानी कैन हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, और शुड हम कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं. तो देखिए, कैन हम करते हैं शोज एबिलिटी, यानी जब हम में कुछ करने की एबिलिटी हो उसको शो करने के लिए हम कैन का यूज़ करते हैं. पॉसिबिलिटी यानी संभावना दिखाने के लिए भी, किसी चीज़ की संभावना कि ये हो सकता है, तो भी हम कैन यूज़ करते हैं. परमिशन के लिए भी हम कैन यूज़ करते हैं, और पावर के लिए हम कैन यूज़ करते हैं, जैसे कि वो ये काम कर सकता है. फिर शुड किस लिए यूज़ करते हैं, इज़ यूज्ड टू गिव एडवाइस. जब हमें किसी को एडवाइस करना हो तो हम शुड बोलते हैं, ठीक है. टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, अगर हमें किसी को ऑब्लिगेशन के बारे में, उसके लिए बारे में बहुत अच्छे से उसको ऑब्लिगेशन करना हो, उसके बारे में बात करनी हो, तो भी हम शुड यूज़ करते हैं. प्रोबेबिलिटी यानी वही संभावना, एंड एक्सपेक्टेशन, किसी से कुछ संभावित हो, किसी से कुछ उम्मीद हो, तो भी हम शुड का यूज़ करते हैं. और टू एक्सप्रेस अ कंडीशनल मूड, यानी अपने किसी भी कंडीशन के मूड को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं. तो अभी नीचे बहुत सारे फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, वो आपको सोच के भरने हैं कि उसमें कैन आना चाहिए या शुड आना चाहिए. तो यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए मैं कुछ इसमें बता रहा हूँ, और आप मेरी गलती बताइएगा, हो सकता है कि मैं गलत हूँ. तो जहाँ मैं गलत हूँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहाँ पर क्या आना चाहिए था और मैंने क्या लिखा. यू डैश चूज एनी करियर, तो मैंने यहाँ पे लिखा यू कैन चूज एनी करियर. आप कोई भी करियर को चूज कर सकते हैं. बाय द एज ऑफ 24 वन शुड बिकम इंडिपेंडेंट इन द टर्म्स ऑफ अर्निंग्स. मैंने यहाँ पर शुड लिखा है, आप सोचिए कि क्या आ सकता है. अर्निंग वाइल लर्निंग कैन ऑल्सो बी एन ऑप्शन, यानी लर्निंग करते समय जब अर्निंग करें ये भी एक ऑप्शन हो सकती है. दिस मीन्स दैट यू शुड टेक अप अ पार्ट टाइम जॉब वाइल यू कंटिन्यू टू स्टडी. इसका मतलब है कि आपको, आप जो है एक पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं जो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए. यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस नाउ. मैंने यहाँ पर कैन लगाया है कि आप जो है और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर सकते हैं अभी से. आस्क योरसेल्फ विच सब्जेक्ट डैश यू डैश परफॉर्म बेटर इन, यानी यू कैन बेटर परफॉर्म इन. यहाँ पर हम कैन लगा सकते हैं क्योंकि इसका मतलब है कि आप यू आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछिए कि आप किन सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. यहाँ पर आपकी एबिलिटी आ रही है. व्हाट यू शुड डू बेस्ट, आपको किस में बेस्ट करना चाहिए. अकॉर्डिंगली यू शुड चूज सब्जेक्ट्स ऑफ योर चॉइस नेक्स्ट ईयर, और इसी के अनुसार आप अगले साल कौन कौन से अपनी चॉइस के सब्जेक्ट ले सकते हैं. यू शुड बी श्योर अबाउट योर ऑप्शंस एज चूजिंग अ करियर इज अ मेजर डिसीजन. तो आपको बहुत श्योर होना चाहिए अपने ऑप्शंस के बारे में, करियर ऑप्शंस के बारे में, या उसको उसके डिसीजन लेने के बारे में. यू कैन ऑल्सो वर्क टूवर्ड्स गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब. आप जो है ऐसा काम भी कर सकते हैं, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब पाने के दिशा में भी कोई काम कर सकते हैं. यू शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन इम्प्रूविंग योर लैंग्वेज एफिशिएंसी. आपको अपनी लैंग्वेज की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सोचना शुरू करना चाहिए. यू कैन सक्सेसफुली क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इफ़ यू स्टे अपडेटेड अबाउट द लेटेस्ट न्यूज़. यानी आप जो है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं यदि आप लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में अपडेटेड रहेंगे. यू शुड मेक नोट्स ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड कीप रिवाइजिंग इट रेगुलरली.
मतलब आप जो है आपको नोट्स बनाना चाहिए, यू शुड. कौन से मोस्ट जो इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और उसको हमेशा नियमित रूप से रिवाइज करते रहना चाहिए. फिजिकल फिटनेस शुड ऑल्सो बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, और फिजिकल फिटनेस भी एक इसमें मैटर ऑफ कंसर्न होनी चाहिए. ईट हेल्दी फूड, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए. खाना होता है मतलब ज़रूरी है. योर डेली रूटीन शुड इंक्लूड एटलीस्ट 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे, और आपके डेली रूटीन में कम से कम 1 घंटा रोज़ एक्सरसाइज के लिए होना चाहिए. तो जहाँ पर चाहिए शब्द आ रहा है वहाँ शुड आ रहा है, और जहाँ हम कुछ कर सकते हैं, कुछ एबिलिटी है, कुछ पॉसिबिलिटी है, तो वहाँ पर हमें कैन लगाना होता है. तो अब आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आया होगा. कोई बात नहीं, इसकी हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उससे हमें और ज़्यादा समझ में आएगा. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर जरूर जरूर पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.